सदाचार का ताबीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार छिपा तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं देखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने को इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में मांझकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलवाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। एक विशेषज्ञ ने कहा, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तीसरे विशेषज्ञ ने बताया। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने एक स्वर से बताया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। पहले विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन में है, पिछले माह इस सिंहासन को रंगवाने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। वह बिल वास्तव में दुगने दाम का बना था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों क्या तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ दल के मुखिया ने कहा, हाँ महाराज हमने
उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए रिश्वत है। ठेका मिट जाए तो उसकी रिश्वत मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उन विशेषज्ञ महोदयों के अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, और उसके बांधने से आदमी निसंदेह सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु महाराज ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, पर यह काम कैसे करेगा, यह भ्रष्टाचार कैसे मिटाएगा? साधु महाराज ने आगे समझाया, इसे आदमी की भुजा पर बांध दिया जाता है। जब आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। ताबीज में से निकली सदाचार की यह शक्ति बेईमान आत्मा का गला घोंट देगी और आदमी को ताबीज में से ईमान के स्वर सुनाई पड़ेंगे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होगा। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं
और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका ही दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु महाराज को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशगी मिल गई। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकारी हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन महीने की 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहां से, रिश्वत लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर से उसे 5 का नोट दिखाया और इस बार उसने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उन्होंने ताबीज के पास कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले।